नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाइक जो है उसके अंदर ब्रेक्स की। मैं आज आपको बताऊँगा कि दोस्तों खतरनाक बढ़िया वाले ब्रेक जो डिस्क ब्रेक होते हैं वैसे यदि आपको बाइक के बनाने तो कैसे बने। तो दोस्तों उसके लिए मैंने देखिए टाइम की बचत करते हुए इस हिस्से को निकाल लिया है। आप बाइक का जो टायर खोलेंगे उसके बाद में ये हिस्सा आराम से निकल जाता है। दोस्तों जो उसके अंदर एक्सल होता है उसको निकाल लीजिए, उसके बाद में जब पंचर वगैरह निकलवाते हैं तो उस समय आप देखते हैं इस हिस्से को अलग कर देते हैं वो, तो आपको वहाँ से इसको खोल लेना है, निकाल लेना है। और ये यहाँ पर लेदर्स होते हैं दोस्तों, तो इन लेदर्स को यहाँ से हटा कर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्लीन किया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है कि दोस्तों हम लेदर चेंज कर देते हैं और बाकी कोई भी चीज़ की साफ़ सफाई नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों ड्रम्स होते हैं वो भी चिकने हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेक अच्छे नहीं लग पाते। तो मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ कि इसको कैसे करेंगे जिससे कि ये ब्रेक जो बहुत ही बढ़िया बन जाए और अटके भी नहीं बिल्कुल से भी। तो दोस्तों इसके लिए देखिए ड्रम है, आप देख रहे हैं सामने जो बाइक का ड्रम है उसके अंदर मैंने पहले से सर्फ एक्सल वगैरह जो है वो भर दिया, सर्फ एक्सल का जो पेस्ट है वो भर दिया है और इसको भी मैं सर्फ एक्सल से धो रहा हूँ। ये मेरे पास ब्रश है बढ़िया वाली जिसको मैं गाड़ी साफ़ करने में भी काम लेता हूँ, टायर्स वगैरह लिए अच्छे से दोस्तों क्लीन होता है। ये ब्रश बहुत बढ़िया आती है, टॉयलेट क्लीन में भी काम आती है दोस्तों, वैसी ब्रश है, वही ब्रश है। तो मैंने ये ब्रश जो है स्पेशल रख रखी है कि इससे मैं जो गाड़ी के जो ऐसे स्पेयर पार्ट्स हैं इनको अच्छे से साफ़ कर सकूँ। तो आप चाहे तो पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पेट्रोल आपको पता है थोड़ा कॉस्टली है, तो इसकी जगह पर आप सर्फ एक्सल की थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लेकर और उससे अच्छे से इसको साफ़ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसमें ब्रेक्स अटकने के चांसेस भी कम बचेंगे और ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल से न्यू बाइक है, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल न्यू हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑयल्स वगैरह ये सब देते हैं जिससे मिट्टी वगैरह जाम हो जाती है और मिट्टी जाम होने की वजह से जो कार है या कोई गाड़ी है उसके ब्रेक्स जो वो नहीं लग पाते। तो दोस्तों इसके लिए अपने को बिल्कुल अच्छे से इस ड्रम को क्लीन कर लेना है ब्रश की सहायता से, छोटी ब्रश से भी कर सकते हैं, छोटी ब्रश भी हमारे पास उससे भी कर सकते हैं। तो इसकी पूरी की पूरी गंदगी कचरा जो है वो बिल्कुल से निकल जाता है दोस्तों यहाँ से, और ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। देखिए इस प्रकार से जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ इसी प्रकार से आपको दोस्तों क्लीन करनी है बिल्कुल अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा दोस्तों लॉन्ग रहेगा लेकिन आप सब कुछ सीख जाओगे इसके अंदर कि गाड़ी के जो ब्रेक है वो कैसे अच्छे बने और इस पार्ट को बिल्कुल से अच्छे से कैसे क्लीन करें। दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद में बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत अच्छे से आप अपनी जो बाइक है उसके ड्रम को अच्छे से साफ़ कर सकते हो। आगे वाला जो टायर है उसका ड्रम इसी प्रकार से साफ़ होता है। तो दोस्तों हम दुकान वाले के पास जाते हैं तो वो ये सब साफ़ नहीं करते, वो बाहर से ही वॉशिंग करते हैं जिसकी वजह से दोस्तों अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती बाइक, क्योंकि ये सब इससे जो दोस्तों हैं वो क्लीन होने चाहिए। लेकिन ये बार बार करने का नहीं होता है, ये जैसे आप किलोमीटर देख लीजिए कितनी गाड़ी चली है, या आप ये देख लीजिए कि लेदर कब ख़त्म हुए हैं उसके दौरान आप इसको क्लीन कर सकते हो। बाकी दोस्तों लेदर भी इतनी जल्दी क्लीन या ख़राब नहीं होती दोस्तों, और इतनी जल्दी घसते भी नहीं हैं, वो किलोमीटर के हिसाब से हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आप पंचर निकलवाओ बाइक की तो उस दौरान दोस्तों एक बार लेदर ज़रूर चेक कर लिया करो, पंचर होती रहती है गाड़ियाँ या बाइक्स वगैरह जो भी, तो आप लेदर को चेक करते रहा करो। लेदर की जो परत है वो यदि पतली हो जाए तो आप समझ लेना कि लेदर गए, आप इसको नया डलवा सकते हैं। अब देखिए मैंने दोस्तों हाई प्रेशर से इसको साफ़ किया है, मेरे पास हाई प्रेशर का सिस्टम है, आपके पास नहीं हो तो दोस्तों मोटर चला कर उससे भी आप हाई प्रेशर बना सकते हो। तो मैंने ला रखा है दोस्तों हाई प्रेशर का सिस्टम, बिल्कुल सस्ता आता, ज़्यादा महंगा नहीं आता। आप किसी भी दुकान वाले के पास जाके बोलो कि हाई प्रेशर का जो नोज़ल है वो मुझे दीजिए, तो वो दोस्तों दे देंगे। ये गार्डनिंग के लिए काम आता है, इसमें कम से कम 5 या 6 नोज़ल है दोस्तों अलग अलग टाइप से, घुमा घुमा कर हम हर प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं प्रेशर का। साथ में टायर भी दोस्तों अच्छे से क्लीन कर लेते हैं जिससे कि सारे काम बिल्कुल से अच्छे से साफ़ हो जाए। अब देखिए इसको मैं एक बार प्रेशर मार देता हूँ अच्छे से, ये दूसरी साइड है जहाँ पर गुटके लगते हैं, और इस टायर को मैं एक बार साइड में दीवार पर खड़ा करके फिर उसके बाद में अच्छे से प्रेशर मारता हूँ जिससे कि और भी अच्छे से दोस्तों क्लीन हो जाए। ये देखिए सामने से प्रेशर मारा जा रहा है बढ़िया वाला जिससे कि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। दोस्तों ब्रेक्स से कई कारणों से नहीं लग पाते हैं, अपन लोग सोचते हैं कि लेदर ही गए, ड्रम ही गया, ये इतनी जल्दी नहीं जाते। ड्रम और जो दोस्तों लेदर हैं उनके बीच में घर्षण
जो है वो होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि चिकनाहट है, चिकनाहट होगी तो दोस्तों बिल्कुल ब्रेक नहीं लगेंगे और इस ड्रम पर कभी भी ऑयल नहीं लगें। आप कभी भी इसमें मोबिल नहीं डालें कहीं पर भी, या लेदर डलवाते समय मोबिल बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि वो मोबिल जो होता है वो लेदर पर ज़रा सा भी दोस्तों एक बार लग गया तो दोस्तों आपके ब्रेक्स है वो नहीं लग पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऑयल जो है वो या मोबिल जो है आपके पास उसको बिल्कुल से भी नहीं डालें। ये देखिए मैंने लेदर जो है ना इसके गुटके, वो गुटके भी मैंने क्लीन कर लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको सुखा लेता हूँ, मेरे पास ब्लोअर है, आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, धूप में छोड़ दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ इसलिए मैं इसको सुखा रहा हूँ, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। आपके पास ये नहीं है तो धूप में छोड़ दीजिए, सूख जाएगा ये 15-20 मिनट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका होना कोई ज़रूरी नहीं अपने पास। ये देखिए बाकी मेरे पास तो सारे पार्ट्स हैं, मैं यूज़ में लेता रहता हूँ इसलिए। ये देखिए ये बहुत अच्छे से दोस्तों सूख चुका है, इसको बहुत अच्छे से सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद दोस्तों जो टायर है उस टायर का जो ड्रम है उसको भी अच्छे से सुखा लेते हैं, सारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से दोस्तों जो ब्रेक्स हैं वो अच्छे बन पाएंगे। इस प्रकार से ये जो ड्रम है दोस्तों इसको अच्छे से क्लीन करना है। ये देखिए सूख गया है बिल्कुल से ड्रम, इसमें किसी प्रकार का कोई मिट्टी का कण या कोई भी जो चिकनाहट थी ड्रम के अंदर वो सारी निकल चुकी है, बिल्कुल से रफ हो चुका है। इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाएं, नहीं तो ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगेंगे उसके। तो इसको थोड़ा सा ऐसे साफ़ करने के बाद में जो पेट्रोल या केरोसिन तेल, केरोसिन तो मिलता नहीं, पेट्रोल जो है उसको कपड़े पर लगा कर उसको चारों तरफ से इसमें मार दीजिए तो हो जाएगा क्लीन और भी अच्छे से। अब बात रही दोस्तों लेदर्स की, तो लेदर दोस्तों चिकने हो रखे हैं आप देखिए, तो इनको सही करने के लिए जो आरिका पत्ता है इससे आप बिल्कुल अच्छे से जो लेदर्स हैं इन लेदर्स को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही आसान है दोस्तों इनको क्लीन करना, ये देखिए इस प्रकार से आप अच्छे से इसको क्लीन करें, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ये देखिए। तो आरी का पत्ता है दोस्तों, इससे धीरे धीरे जो आगे के दांते होते हैं उस दांते से धीरे धीरे इसको इस प्रकार से ऊपर से थोड़ा सा काटना शुरू करें, जिससे कि ऊपर की ये जो चिकनी लेयर है वो यहाँ से हट जाती है। देखिए अब बिफोर आफ्टर देखिए, जो पहले वाला है उसमें इसमें कितना फ़र्क है, वो चिकना है ये रफ हो चुका है। तो दोस्तों यही तो होता है ब्रेक बनाने के लिए, अब ये ही बिल्कुल से चिकना रहेगा तो ब्रेक आपके कहाँ से लगेंगे, क्योंकि दोस्तों ये डिस्क वाली नहीं है, ये जो गाड़ी है ये है यहाँ पर ड्रम ब्रेक की, तो इसमें लेदर से दोस्तों क्लीन होने ये इस प्रकार से होने चाहिए, रफ होने चाहिए। बार बार हम ब्रेक सप्लाई करते रहते हैं तो ये दोस्तों चिकने हो जाते हैं। तो हिसाब तो अच्छा ये रहेगा, एक बार तो मैंने अच्छे से क्लीन करना सिखा दिया है, बाकी जब भी आपकी गाड़ी पंचर हो तो उस दौरान दोस्तों ये जो है वो बिल्कुल से क्लीन कर लिया करो, एक साइड में गाड़ी वाला जो है वो पंचर निकालता रहेगा। और देखिए अभी मैंने थोड़ा सा इसमें पेट्रोल लिया, इस डब्बे में मैंने पेट्रोल डाल रखा है, एक कोई डिब्बी थी मेरे पास इसमें पेट्रोल डाल रखा है, इस पेट्रोल से मैं ये जो लेदर्स हैं इस लेदर्स के ऊपर थोड़ा सा और रब करूँगा। इससे देखिए चिकनाहट नहीं रहती दोस्तों इससे, क्योंकि पेट्रोल आपको पता है उड़ जाता है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई और इम्प्योरिटीज़ वगैरह वो भी इसी प्रकार से हट जाएगी, क्योंकि इसमें अपने को चिकनाहट जो बिल्कुल से हटानी है। तो ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, इससे बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा दोस्तों, ये पेट्रोल उड़ जाएगा थोड़ी देर में और ये बिल्कुल से क्लीन हो जाएगा, ब्रेक बहुत ही दोस्तों शानदार लगेंगे। थोड़ा और ले लीजिए, कोई भी डब्बे में आप गाड़ी की जो नोजल है उसको खोल कर वहाँ से आप पेट्रोल थोड़ा सा निकाल लीजिए, पेट्रोल की बचत कीजिए, वैसे पेट्रोल कम से कम यूज़ में लेना है, तो इसीलिए मैंने आपको पानी से धोना सिखाया है, नहीं तो पेट्रोल से भी धो सकते थे, क्योंकि पेट्रोल कभी सस्ता होता तब धो सकते, लेकिन दोस्तों आपको पता है आज के समय में पेट्रोल कितना महंगा है, उससे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए पेट्रोल उड़ चुका है, मैंने इसमें लगा दिया था पहले तो ये उड़ चुका है, एक बार मैंने फिर से आपको करके दिखाया है। तो दोस्तों इसको मैंने जब घर्षण किया था उसके बाद में इसमें जो भी कचरा है वो भी हट गया है इस पेट्रोल से। अब मैं एक बार और थोड़ा सा करूँगा जब इसको मैं लगा दूँगा। तो दोस्तों बिल्कुल से आसान तरीका है, देखिए पेट्रोल सारा उड़ गया है और अब हम सेट करेंगे इसके अंदर, तो बहुत ही आसान है इसके ऊपर सेट करना। ये आपको ऑयल वगैरह का ध्यान रखना है, देखिए थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीस तो है बहुत कम लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, साइडों में नहीं निकलना चाहिए। और इस प्रकार से इसको घुमाएंगे तो ये ऑयल है ना बाहर की साइड तक आ जाएगा,
तो दोस्तों ब्रेक लगते हैं तो ये अटक जाता है, आपको पता है कई बार ये अटका रह जाता है जिसकी वजह से क्या ब्रेक अच्छे नहीं लग पाते। तो ये अच्छे से दोस्तों क्लीन होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि निकल गया हो तो कपड़े से बाद में साफ़ कर लेना इसको। यहाँ पर ऑयल जो है वही लगाना है बस, बाकी और कोई कई जगह पर किसी भी जगह पर आपको ऑयल नहीं लगाना है। ये अच्छे से आप इसमें से क्लीन कर दीजिए। अब ये देखिए बिल्कुल से अच्छा से हो गया। अब ब्रेक मारेंगे दोस्तों बहुत अच्छे से ब्रेक लगेंगे, बिल्कुल सेम मस्त वाले ब्रेक यहाँ पर लगने वाले हैं। अब ये तैयार हो गए यहाँ से। अब ये जो है ना, ये जो स्प्रिंग थी, दो स्प्रिंग, ये भी दोस्तों टाइट हो रखी है, तो इसको मैं थोड़ा डीजल डाल देता हूँ। इसमें डीजल है तो ये डीजल से मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, पेट्रोल की मैं बचत कर रहा हूँ दोस्तों थोड़ी। तो ये डीजल है इसमें डाल देते हैं, क्योंकि डीजल थोड़ा सा ऑयली भी होता है और उड़ता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऑयली चाहिए और उड़ने वाला भी नहीं चाहिए। तो इसमें से मिट्टी वगैरह अब हट गई है, मैंने पानी से भी धो ली थी स्प्रिंग को, क्योंकि स्प्रिंग भी दोस्तों जाम हो जाती है बार बार इसको यूज़ में लेने से। ये देखिए बाकी जो ऑयल वगैरह निकल गया था उसको मैं साफ़ कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर और कहीं पर भी ऑयल नहीं चाहिए। अब दोस्तों ये देखिए ये है लेदर्स, हाथ को बिल्कुल से क्लीन रखें क्योंकि चिकन है नियोनचे हाथ। अब देखिए स्प्रिंग जो थी वो स्प्रिंग लगा लेंगे, थोड़ा सा इसमें साइडों से और घस देंगे, क्योंकि ब्रेक जब लगाते हैं तो यहाँ से ये थोड़े से चौड़े होते हैं, जिससे ब्रेक जो है वो दोनों साइडों में ये बढ़ता है लेदर, जिससे कि ब्रेक लग जाता है। और ये ड्रम के टच होता है जो ब्रेक आप अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए इसमें अपन ने यहाँ से लगा दिया है और इसको भी यहाँ से अपन लगा रहे हैं देखिए, और दूसरी साइड भी अपन ऐसा ही करेंगे, यहाँ से इसको लगा कर और दूसरी साइड भी इसमें लगा देंगे इसी प्रकार से। दोस्तों हाथ चिकने नहीं होने चाहिए, बार बार बता रहा हूँ, लेदर्स के हाथ टच नहीं होने चाहिए। यदि हाथ टच भी हो रहे हैं तो चिकने हाथ बिल्कुल भी टच नहीं होने चाहिए, ये नुकसानदायक है। ये देखिए ये बिल्कुल से तैयार हो चुका है, थोड़ा सा और मैं इसमें ज्वारी का पत्ता यूज़ ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हाथ लग गए होंगे थोड़े बहुत, भी चिकनाहट नहीं लगनी चाहिए, बता रहा हूँ बार बार, रफ़ होने चाहिए, मतलब रफ़ ही होने चाहिए ये, ताकि ये ड्रम पर जब टच होंगे तो बहुत अच्छे से ब्रेक बनेंगे दोस्तों। एक बार नए बने, मान लीजिए आपने इसको लगाया, अप्लाई कर दिया, आप लगाते आप सोचोगे ब्रेक नहीं बन रहे, अर्थात ब्रेक नहीं बनेंगे दोस्तों। बाइक चलाओगे धीरे 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 थोड़े थोड़े सेट होंगे, यानी मान लीजिए 8-10 किलोमीटर के बाद में बहुत अच्छे ब्रेक बन जाएंगे, अर्थात ब्रेक नए बने तो आप सोचोगे कि हमारी तो मेहनत ख़राब हुई नहीं दोस्तों। लगाते ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, पहले बता रहा हूँ मैं, 5-10 किलोमीटर के बाद में अच्छे सेट होंगे। अब यहाँ पर आप दोस्तों ग्रीस लगा दीजिए, देखिए ग्रीस है ना वो पिघलती नहीं है, तो ये रेड वाली ग्रीस मैं यहाँ पर यूज़ में ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके साइडों में भी मैं लगा देता हूँ, ये हीट मतलब मेन काम है हीट का, ग्रीस जो होती है वो हीट से इतनी जल्दी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हीट का काम है। जब गाड़ी चलती है उस समय थोड़े थोड़े ड्रम वगैरह ये थोड़े थोड़े गर्म होते हैं, तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना, नहीं तो ऑयल दोस्तों लेदर्स के ऊपर आ जाएगा और आपकी गाड़ी के ब्रेक्स है वो बिल्कुल से लगाना बंद हो जाएंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा इसमें ग्रीस लगा दीजिए, दोनों साइडों में ग्रीस लगाना अपने को, ये देखिए यहाँ पर भी ग्रीस लगाना है, ये ग्रीस अप्लाई कर दिया है। हाथ दोस्तों ध्यान रखने हैं, टच नहीं होने चाहिए, मैंने बार बार बताया आपको कि लेदर के हाथ टच नहीं होने चाहिए, चिकनाहट नहीं आनी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। मैंने हाथ बिल्कुल से अच्छे से साफ कर लिए हैं और ये देखिए इसमें मैंने लगा दिया है इसको, और ये थोड़ा सा ग्रीस इस पर भी लगा देते हैं, ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं इस पर। बाकी मैं तो इसमें दोस्तों क्लीन करता रहता हूँ, मेरे को जब इच्छा होती है तब मैं इनको खोल कर साफ़ कर लेता हूँ, ताकि गाड़ी जो है वो नई बन जाती है बिल्कुल से, क्योंकि दोस्तों नई में और क्या आता है, ये सब चीज़ें साफ़ आती हैं और हमने इसको साफ़ कर लिया है, और इसमें और इससे अच्छा और साफ़ क्या हो सकता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसके ऊपर सेट कर लीजिए, ध्यान से सेट करेंगे, ये क्या होता है ये स्प्रिंग भी निकल सकती है, देखिए अभी तो मैंने सेट कर लिया बिल्कुल सही हो गया सेट, ये सेट हो गया दोस्तों। इसके अंदर जो अब ग्रीस निकल चुकी है साइडों में, उस ग्रीस को आप वापस से बिठा दीजिए वहीं पर ही, ये देखिए इसको आप वापस से सेट कर दीजिए जहाँ से मैंने ग्रीस लगाई है वहाँ पर अप्लाई करनी है, बाकी कुछ बच गई हो ग्रीस से तो उसको हटा दीजिए। ये देखिए लेदर्स पर टच ना करें, मैं थोड़ा सा साफ़ और कर देता हूँ, लग गई हो साइड में कहीं पर भी,
चिकनाहट जो है वो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। देखिए मैंने साफ़ कर दिया है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से भी साफ़ कर देते हैं ताकि चिकनाहट न रहे। ये देखिए लेदर्स पर नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी नहीं लगनी चाहिए, और बाकी लग गई तो गाड़ी चलेगी तो उस समय गर्म होकर यहाँ से तो सेट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो दोस्तों चिकनाहट हो जाएगा। पूरी लेदर पर यदि बिखर गई ना तो दिक्कत है। देखिए मैंने पूरी उतार दी ग्रीस, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ही ग्रीस होनी चाहिए, बाकी सब जगह नहीं होनी चाहिए। दो जगह पर ग्रीस अच्छे से है, मुझे यहाँ लगा कि थोड़ी ग्रीस लग गई थी, तो मैं इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ आरी के पत्ते से। यहाँ भी साफ़ कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ग्रीस लगी थी, थोड़ी हाथ से लग जाते कई बार लगाते समय। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि गाड़ी के ब्रेक्स हैं वो बहुत ही ख़तरनाक बन जाते हैं। ये मानो कि डिस्क जैसे ब्रेक दोस्तों बन जाते हैं। डिस्क में और क्या होता है, लेदर्स ही होते हैं बस, उसमें ऑयल्स वगैरह का चक्कर और अपने वाले मैनुअल हैं। तो दोस्तों अच्छे से सेट हो जाते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब ये जो तैयार हो चुका है आप देखिए बिल्कुल से सेट है। अब इसको अपन वापस से जो टायर का ड्रम है उसके अंदर सेट कर देंगे, और दोस्तों फिर इस टायर को वापस से कस लेंगे, जिससे कि गाड़ी जो है उसके ब्रेक सेट हो जाएंगे। बिल्कुल से आप अप्लाई करके देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा, ब्रेक्स भी बहुत अच्छे से बनेंगे। दोस्तों नमस्कार।